अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मेस किचन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है चिकर चने, या इसको आप चिकर छोले भी कह सकते हैं। तो चले आए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 1 किलो मैंने चने लिए हैं, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको बॉयल कर लिया है। देखिए इस तरह से ये बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरह से, इस तरह से होने चाहिए चने। 2 अदद मैंने प्याज लिया है और ये इस तरह 2 पीस ये बड़े से अदरक के हैं और कुछ ये जो है लहसुन की हैं, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और 1 अदद उबला हुआ आलू, इसको मैं अलहदा इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। कुछ ये यहाँ पे मसाले हैं, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, कुछ साबुत गरम मसाला और काली मिर्चें, इनको मैं कूट लूँगी। इनको ग्राइंड नहीं करना, इनको कूटना है, दरदरा करना है। और स्पाइसेस में जाएंगे, 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने ऑलरेडी चने में डालकर बॉईल किया था, इसलिए नमक हम अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। 1 टेबलस्पून सूखी मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून अजवाइन पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला। कुकिंग ऑयल पकाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी भी शामिल करूंगी। तो चले आए इसको पकाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक ग्राइंडर लिया है, प्याज के मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। साथ में ये अदरक डालूंगी, लहसुन भी डाल दूंगी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि इसकी पेस्ट बन जाए, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। ये देखें ये पेस्ट इस तरह से बन गई है। इसमें मैंने प्याज लहसुन अदरक का मैंने ग्राइंड किया था, इस तरह से पेस्ट बन गई है। इसी तरह से मैं इसमें इसको निकाल के पेस्ट को, इसमें मैं आलू को भी इस तरह से पेस्ट बना लूँगी। एक पतीली लूँगी, उसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इसमें ऑयल कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा। गैस की फ्लेम में ऑन कर दूंगी। ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं प्याज की पेस्ट डाल दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं अब ये पेस्ट डालूंगी। अच्छी तरह से सॉफ्ट करेगा। हम ये प्याज की अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। आलू को भी देखे मैंने इसमें डाल के पेस्ट बना लिया इसकी, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर अभी पानी है, इस पानी को हम अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। पानी खुश होगा तो फिर ही इसकी बुनाई होगी। जितनी देर मसाले में पानी खुश्क होता है उतनी देर हम इस मसाले को कूट लेते हैं। ये जो साबुत मसाला था, हरी मिर्च को हम इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसमें मैं कूट लूँगी इसका रखकर, इस तरह से हम कूटेंगे इसको दरदरा जिसे कहते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये मिर्चों को कूट लिया है। साथ ही इसके हम ये भी थोड़ा थोड़ा करके मसाला भी डालते जाएंगे, काली मिर्च और साबुत सूखा धनिया, इसको भी हम इस तरह से कूट लेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है। इसको भी हमने ऐड नहीं करना मसाले में, जब चने डालेंगे उसके बाद इसको ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा मसाले का पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। ये देखिए मसाले में पानी खुश्क हो चुका है। इसमें हम ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ये वाले हम ये सारे मसाले एक साथ ही डाल देंगे, गरम मसाले को छोड़कर उसको मैट में डालूंगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। प्याज की हम इतनी बुनाई करेंगे कि घी ये अलग हो जाए, मसाले को छोड़ दे। ये देखिए इतना अच्छा सा मसाला बन के तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल आपको बाजार के स्टाइल का मजा देगा। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह। इसमें मैं थोड़ा सा ये देसी घी भी डालूंगी। देसी घी डालने से और भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें घी अलहदा होना शुरू हो गया है। इसमें मैं अब चने डालकर इसकी बुनाई करूंगी, चने के साथ। ये देखें चने हैं जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। चनों की भी हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे। चनों को भी मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है। इसके अंदर मैं अब ये वही पानी डालूंगी जिसके अंदर मैंने इन चनों को बॉईल किया था। ये देखें इसमें मैं अब यह मसाला भी डाल दूंगी जिसको मैंने कूटा था। मिक्स कर देंगे। अब मैं गैस की फ्लेम को लो करके इसको पकड़े दूंगी ताकि अच्छी तरह से ये चनों में मिक्स हो जाए मसाला। ये देखे चने बनके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल चिकन चने, ये बिल्कुल आपको बाजार के स्टाइल का टेस्ट देंगे। इसके ऊपर मैं अब ये गरम मसाला डाल दूंगी एंड पे। चिकन चने रेडी हैं, गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी।
अब मैं इसे सर्व करूंगी। चिकन चने तैयार हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कैसे बने हैं। लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।